इस वर्ष होगा आलू का बम्पर उत्पादन। नमस्कार किसान भाइयों, कैसे हो आप सभी? आशा करता हूँ किसान भाइयों आप सभी अच्छे होंगे। तो किसान भाइयों, आज की हमारी वीडियो होने वाली है आलू की फसल में आप किन किन खाद का प्रयोग करके बेहतरीन उत्पादन ले सकते हो। तो किसान भाइयों, हम स्टेप बाय स्टेप आपको खाद जानकारी व समय और मात्रा के साथ साथ खाद का स्पेशल कॉम्बिनेशन बताएंगे, जिससे आप इस वर्ष सबसे अधिक उत्पादन ले पाओगे। तो किसान भाइयों, वीडियो के लास्ट में हम आपको एक बोनस पॉइंट बताएंगे जो कि आपके लिए बहुत खास होने वाला है। तो किसान भाइयों, वीडियो को बिना आगे बढ़ाए पूरा देखें, जिससे आपको अधूरी जानकारी ना मिले। शुरू करते हैं। अगर हम आलू की फसल की बात करें, किसान भाइयों, आलू के पौधे की बढ़वार एवं अधिक उत्पादन के लिए इसमें उपयुक्त खाद प्रबंधन बहुत आवश्यक है। तो किसान भाइयों, इसमें अगर हम खाद की बात करें तो नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम ये तीन प्रमुख पोषक तत्व है जो कि आलू के उत्पादन में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। इन पोषक तत्वों में नाइट्रोजन पौधे की बढ़वार में महत्वपूर्ण भूमिका के साथ साथ कंदों को बनने की प्रक्रिया में बहुत सहायक होता है। और फास्फोरस, किसान भाइयों, पौधे की अतिरिक्त संरचना एवं कंदों का आकार और संख्या को बढ़ाने में सहायक होता है। तो पोटेशियम की बात करें तो किसान भाइयों, कंद का आकार बढ़ाने के साथ साथ ये पौधे को रोग व कीट के प्रति प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करता है। तो किसान भाइयों, एनपीके के अलावा आलू की फसल में सूक्ष्म पोषक तत्वों की भी जरूरत पड़ती है, जैसे कि कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर और सूक्ष्म पोषक तत्व आयरन, जिंक, मैग्नीज, कॉपर, बोरान, ये पोषक तत्व भी आलू के उत्पादन में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। तो किसान भाइयों, इन सभी खादों का कॉम्बिनेशन, समय और मात्रा के बारे में जानने से पहले भाइयों वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि किसान भाइयों, बहुत मेहनत से सारी जानकारी इकट्ठा करने के बाद हमने आपके लिए वीडियो बनाई है। तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दें, जिससे आपको आगे भी ऐसी जानकारी मिलती रहे। किसान भाई, आलू की फसल की बुवाई से पहले हमें प्रति एकड़ 3 बैग यानी कि 150 किलो एनपीके, 12-32-16 के साथ 5 किलो सल्फर और 5 किलो फिप्रोनिल, जो कि बायर कंपनी के रिजेंट के नाम से आता है। रिजेंट, किसान भाइयों, हमारे खेत के ज़मीनी कीटों को मारने में मदद करता है। तो किसान भाइयों, इन तीनों को मिलाकर खेत में फेंक देना है। फिर किसान भाई, आपको हल्की जुताई करके आलू की बुवाई कर देना है। इसके बाद किसान भाइयों, आपके आलू का एक समान अंकुरण होगा और आपकी फसल एकदम हरी भरी निकल कर आएगी। फिर किसान भाइयों, 40 दिन की फसल होने पर आपको प्रति एकड़ में 30 किलो यूरिया खाद लेना है। उसमें आपको 5 किलो माइक्रोन्यूट्रियन, जिसमें सभी पोषक तत्व होते हैं, जो कि एक उत्तम कंपनी के संपूर्ण के नाम से आता है। अगर आपको यह नहीं मिले तो आप किसी और कंपनी का भी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स ले सकते हो। तो किसान भाइयों, इन दोनों खाद को मिला के डालकर आपको सिंचाई कर देना है। फिर किसान भाइयों, आपकी फसल एकदम हरी भरी हो जाएगी, जिससे आपका बम्पर उत्पादन निकल के आएगा, जिससे आपकी और हमारी मेहनत सफल हो जाएगी। और किसान भाइयों, आप आलू की फसल में मिनी स्प्रिंकलर से सिंचाई करते हो, उससे आपको अधिक लाभ देखने को मिलेगा। और अगर आपके पास मिनी स्प्रिंकलर नहीं है तो किसान भाइयों, आप प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के माध्यम से आधी कीमत पर मिनी स्प्रिंकलर ले सकते हो। किसान भाइयों, इसके लिए आपको आवेदन कैसे करना है, उसके लिए हमने पहले से एक वीडियो बना रखी है, जिसकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, आप वहां जाके वो वीडियो देख सकते हो। किसान भाइयों, आपको आगे भी आलू की फसल के बारे में स्पेशल जानकारी हमारे चैनल पर मिलती रहेगी, इसलिए हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। मिलते हैं अगली नई वीडियो के साथ में। जब तक के लिए जय जवान, जय किसान।